नमस्कार दोस्तों, माय इंडिया चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका लुक डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप हमारे फ़ोन में देख सकते हैं, हमको डिफ़ॉल्ट रूप में जो नोटिफिकेशन पैनल मिलता है कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिलता है। ये आपके फ़ोन के वर्जन पर डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड है। यदि आपका फ़ोन में किटकैट है तो आपको किटकैट की तरह यहाँ पर अपना पैनल नज़र आएगा, और यदि आपके फ़ोन में जेली बिन या फिर लॉलीपॉप है तो उसी प्रकार से आपको अपना पैनल जो यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन पैनल कुछ अलग डिज़ाइन से हो, बिल्कुल अलग हट के एक अलग लुक में हो। यदि आपका फ़ोन किसी और कंपनी का है और यदि आप चाहते हैं कि हमारे फ़ोन का नोटिफिकेशन पैनल सैमसंग की तरह या फिर एलजी की तरह हमको नज़र आए तो दोस्तों आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। वही ट्रिक मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों ये आप अपने किटकैट या जेली बिन में यदि आपका वर्जन है तो आप उसको लॉलीपॉप की तरह अपने नोटिफिकेशन पैनल को यूज कर सकते हैं, उसको एक नया डिज़ाइन लुक दे सकते हैं। और दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, उनको भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वही ट्रिक मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उस ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मैं आगे से कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको मिस न कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हमारे फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको एक नया लुक दे सकते हैं, तो वो ट्रिक मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल को हम चेंज करेंगे तो वो हमको कैसा यहाँ पर नज़र आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे फ़ोन में भी डिफ़ॉल्ट रूप में इस प्रकार से हमको नोटिफिकेशन पैनल हमको मिलता है, तो जब मैं इसको चेंज करूँगा तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। तो दोस्तों मैंने अपने नोटिफिकेशन पैनल का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है। तो देखिए अब हमारा नोटिफिकेशन पैनल जो है आपको इस प्रकार से नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक सैमसंग की तरह आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और दोस्तों इसका कलर जो देखिए आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलर भी यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उसको करने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी। वो आपको डाउनलोड कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। तो देखिए अब आपको हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आ रही है, इसका नाम है मटेरियल स्टेटस और ऐसा करके इसका कुछ नाम है जो कि मुझे पूरा पता नहीं है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसी एप्लीकेशन के जरिए जो आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारे एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आपको एनेबल करने के लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप इसको एनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपसे ये दो परमिशन मांगने वाला है, एक नोटिफिकेशन की और एक एक्सेसिबिलिटी की। तो आप इसको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन नज़र आ रही है तो हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं और आपको जो है ये परमिशन दे देनी है। उसके बाद बैक जाइए वापस एप्लीकेशन पर। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन की इसको परमिशन देनी है, तो आप नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आ रही है फर्स्ट नंबर पर, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये दो परमिशन है तो आपको ये एप्लीकेशन को देनी होगी, उसी के बाद जो ये एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में अच्छी तरह से वर्क करेगी। तो मैं वापस यहाँ से बैक आ जाता हूँ। और गाइस अब हम इस एप्लीकेशन को दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको देखिए यहाँ पर इसको स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन पर जाना है कस्टमाइज पर। और दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे 100 बैटरी परसेंटेज का, ठीक है। तो आपको पहले ऑप्शन पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैटरी परसेंटेज है आपको अपने नोटिफिकेशन पैनल पर दिखाई देगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आपको दूसरा ऑप्शन जो मिल रहा है यूज 20 आवर्स फॉर्मेट, तो आप अपने टाइम को जो है 20 आवर्स फॉर्मेट पर आप इसको सेट कर सकते हैं, जिससे आपको अपना जो टाइम है नॉर्मली आपको यहाँ पर नज़र आए। उसके बाद आप दोबारा सेटिंग्स पर जाइए और नोटिफिकेशन पैनल पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ से अपने नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है पैनल थीम, तो आप यहाँ से अपने थीम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो अभी थीम सेलेक्ट की थी वो थी एम डार्क, तो मैं एम डार्क को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे आप अपनी पैनल थीम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक बार इस एप्लीकेशन को ऑफ करना है और दोबारा से इसको ऑन करना है, तो आपका जो पैनल है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से आपको पैनल देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको कुछ और पैनल यहाँ पर आपको बता देता हूँ।
देखिए दोस्तों, आपको एक यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की जो थीम मिल रही है आपको LG फोन की मिल रही है, तो मैं LG पर क्लिक कर देता हूँ। और दोबारा से आप अपने एप्लीकेशन को ऑन ऑफ करो और फिर से आपकी जो थीम है इस प्रकार से आपको चेंज मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है और इससे आप अपने नोटिफिकेशन पैनल की जो थीम है इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस है तो आप इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हो क्योंकि मैं अभी वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो गाइज आप इस प्रकार से अपने फ़ोन की पैनल को जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और भी आपको काफ़ी सारी जो है यहाँ पर थीम देखने को मिल जाती है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, तो ये जो थीम है वो आपको इस प्रकार से यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। तो देखिए ये भी एक प्रकार की अच्छी थीम है, हालांकि मुझे डिफ़ॉल्ट रूप में ऐसी थीम मेरे को मिल रही है, लेकिन ये जो थीम है वो किटकैट या जेली बीन वालों के लिए, तो आप अपनी नोटिफिकेशन पैनल को जो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा मीडियाफायर का, तो आपको वहाँ से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यदि आपको इससे डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी इंस्पायरेशन मिलती है, ताकि मैं अगला वीडियो जो है बना पाऊँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।